हैं सर्दी से बचने के लिए। और याद कीजिए, समाजवादी पेंशन हमने इसी ने दी थी। और जब भी मैं समाजवादी पेंशन बांटता था तो जो महिला लेने आती थी मैं उससे पूछता था कि आखिरकार क्या करोगी। जितनी भी महिलाएं मुझसे मिली उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों के और पढ़ाई और बच्चों की देखभाल के लिए इस पैसे से मदद करेंगे। इस सरकार ने समाजवादी पेंशन भी खत्म कर दी। और हम तो कहते हैं, सुझाव देते हैं, जो लंबे लंबे आंकड़े और लंबे लंबे जो टेंडर की तरीके अपना रही है सरकार, हम तो कहते हैं आपके पास समाजवादी पेंशन योजना पड़ी हुई है, कैबिनेट बुलाइए और पूरे उत्तर प्रदेश की जो माएं हैं जिनके बच्चे पढ़ने जा रहे हैं उन सबको 500 और 1000 रुपया दे दो, कल ही माँ सब मिलकर के वो स्वेटर अपने बच्चों के लिए खरीदेंगे। लेकिन सरकार नहीं करना चाहती, स्वेटर बुन देते गांव में, कहते तो स्वेटर बुन करके मिल गए होते स्वेटर। जो सरकार स्वेटर न दे पा रही हो उससे क्या उम्मीद करोगे आप? और ये पैसा कोई बहुत नहीं है, बच्चों का खाना रोक के दे रहे हैं स्वेटर। अगर आप याद करें आखिरी वक्त पर हमने बजट में पैसा रखा था और अक्षय पात्रा के सब लोगों को बुला करके हमने अक्षय पात्रा की किचन बन जाए, क्योंकि वो सबसे बेहतरीन व्यवस्था है जिसमें बच्चों को गरम गरम खाना पहुंचाया जा सकता है और कम समय में शुद्ध अच्छा खाना दिया जा सकता है। अगर खाना रोक करके स्वेटर दे रहे हैं और हम पे कहते हैं कि स्वेटर, हालांकि वो उप मुख्यमंत्री बैकवर्ड हैं, उन्हें तो फॉरवर्ड काम करना चाहिए था। शिमला जाते पहले, शिमला जाकर के रिसीव करते तो शायद फॉरवर्ड माने जाते, लेकिन ले जाने का भी कोई काम नहीं कर रहा हूं। हालांकि स्वेटर बुन ले अभी भी सरकार तो बच्चों को स्वेटर मिल जाए। किसान चिंता, सरकार ये कह रही आलू कैसे आ गया? आलू खरीदा होता तो शायद आलू नहीं आता। आलू विधानसभा के सामने कैसे पहुंच गया? पुलिस लगता सर्दी में सो रही थी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।